और ये मैंने अचार गोश्त का जो पैकेट का मसाला मिलता है वो लिया है। मेहरान या नेशनल कोई भी आप ले सकते हो, तो मैंने ये नेशनल का लिया है और इसमें मैं पूरा 1 लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ अभी, और इसको अच्छे से मैं पेस्ट बना लूँगी, अ बिग साइज ऑफ लेमन। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। और ये चिलीज़ हैं जो इनमें मैं भर रही हूँ, तो अब मैंने ये सारा पेस्ट इन चिलीज़ के अंदर भर दिया है। और उसी बाउल के अंदर अब मैं क्रश्ड किया हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तो ये क्रश किया है मैंने 1 टीस्पून, आप देख सकते हो। दही को फेंट के रखा हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेंटना और इसके अंदर ऐड कर दे। और इसको अच्छे से मिक्स करें और इसका एक पेस्ट बना लें। ओके, अब मैंने ये पेस्ट बना लिया है। ये मैंने चिकन लिया था, इसको मैंने सिर्फ ये मैं स्लाइस की हुई 1 ऑनियन है और अब इस ऑनियन को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। गार्लिक का पेस्ट ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून जिंजर का, 1 टीस्पून गार्लिक का। दिस जो मैंने पेस्ट बना के रखा था दही का, दही के अंदर जो मैंने मसाले डाले थे। ये चिकन मैंने तकरीबन 1 केजी है, हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला डालूंगी, जस्ट 1/2 टीस्पून। और अभी मैं इसमें पील्ड एंड सीडलेस टमेटोज डाल रही हूँ। कवर करके स्लो आंच पर चिकन को पकने रख देते हैं। फिर मैंने दूसरे पैन में इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लिया, और जो चिलीज़ में मैंने मसाला भर के रखा था उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ तेज़ आंच पर, हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। चिकन भून के हो गया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। और अब मैं उसके अंदर चिलीज ऐड कर रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखी थी। चिलीज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा शैलो फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और यमी डिश होती है। अब मैंने इसमें हरा धनिया गार्निश कर दिया है हरे धनिए से, और इसमें मैंने चम्मच चला के, ये देखें अब ये डिश मेरी पूरी तरह से रेडी है सर्व के लिए। जब इसका पानी सूख जाए अच्छे से तो इसको फिर आप सर्व कर सकते हो। और अब मैं इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ। Thank you.